फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। आज हम अपना सकुलेंट कॉर्नर डेकोरेट करने जा रहे हैं। जो सकुलेंट हमने लगाए थे उनको हमें एक ही ठिकाने पे रखना है, क्योंकि उन्हें बार बार उनका स्पेस हमें चेंज नहीं करना है, नहीं तो वो शौक में आ जाएंगे। इसलिए हमें उन्हीं की तैयारी करने जा रहे हैं। अब हम उन्हीं का वो कॉर्नर तैयार करेंगे। और दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमने कहाँ पे उनका कॉर्नर रेडी किया है और किस तरह से किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए कितने अच्छे फूल आए हैं, शेड भी बहुत ही प्यारा है। बीच में ये मैंने शीट से ग्रो किए थे, ये दो ही मैं सेव कर पाई थी। आप लोगों को तो पता है, जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको तो पता ही है कि मैं बीमार हुई थी इस वजह से। और ये भी वही शीडलिंग के ही हैं। देखिए फूल का शेड कितना प्यारा आया है। इसमें दो शेड आए हैं, एक ये पिंक और ये एक इस तरह से है। एक इस दोनों ही शेड बहुत ही खूबसूरत हैं और हम इनके बीज भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ये फूल सूख गया, अब मैं इसको नहीं हटाऊंगी तो इसमें शीट बन के तैयार हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट ईयर भी अपने शीट से इसे दोबारा से अपने गार्डन में ग्रो कर लेंगे, दोबारा से फ्लावरिंग आएगी खूबसूरत सी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट करके दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन बीच बीच में टिप्स भी दे देती हूँ। चलिए अब आपके साथ में शेयर करते हैं अपना डेकोरेशन। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉर्नर है। यहाँ पे पहले हमारे इंडोर प्लांट्स हुआ करते थे, अब तो यहाँ से हट चुके हैं क्योंकि ये काम हुआ था तभी ये दिवाली वाल बनी थी, सब टूटा था तभी हट गए थे, तब से यहाँ पे आए नहीं। अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। और ये काउंटर भी हमारा अंदर था, ये भी बाहर आ चुका है। और ये स्टैंड हमारा पोर्च में हुआ करता था, अब वहाँ पे इंडोर प्लांट हो गए तो ये यहाँ पे रखा है। और ये हमारी बाहर हुआ करती थी, जब सारा सामान हटता है एक बार डिस्टर्ब होता है तो इधर का उधर हो ही जाता है। और ये सारा अब मैं यहाँ का सब हटा के क्लीन करने जा रही हूँ। तो देखते हैं किस तरह से क्लीन होता है, कैसा डेकोरेशन लगता है। और ये हमारे इंडोर प्लांट्स हैं जो हमने रिपोर्ट किए थे, ये मैंने यहीं पे छाई में रखे हैं क्योंकि अब इनके लिए गर्मी हो गई है, इनको धूप में नहीं रखना है, ब्राइट लाइट में रखना है। और ये रखे हैं, और ये जो छोटे से मैंने बेबी निकाल के इसमें डाल दिए थे ये वो हैं। और ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है सिंडर की, तो इनको अब पानी की भी ज़रूरत है। सिंडर में पानी रुकता नहीं है इसलिए सिंडर में हमें रोज पानी देने की ज़रूरत है अभी। ये देखिए दोस्तों, सारा सामान हटा दिया है, विंडो की भी साफ सफाई कर दी है, इधर भी सब साफ कर दिया है, डस्ट छाल दी है। और इधर ये तो रखा ही है, अब यहीं से अब ये काउंटर मेरा इधर नहीं आ पा रहा, अगर सामने आ जाता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता, मैं डेकोरेट करती तो, पर अब सामने नहीं आ पा रहा है तो यहीं पे ही रहेगा। और अब इधर पे जो स्टैंड वगैरह थे उनको भी मैंने वॉश किया है। ये मैं ग्रीन घास लाई हूँ मैट, और ये मेरे सारे फर्टिलाइजर हैं डब्बे पे रखे हैं। इसमें मैंने बोटल्स रखी हुई है कट करके प्लांटर के लिए, इनको भी पेंट करना है। और ये हैंगिंग ऊपर टांग देनी है। और मैं अभी क्या क्या करती हूँ वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। आज मैं ये अपना बोनसाई पीपल का मैं ऊपर से उठा लाई, क्योंकि ऊपर बंदर नहीं छोड़ते हैं, ये लीव्स खा लेते हैं, तोड़ देते हैं इस वजह से। और ये स्टैंड भी मैंने वॉश कर लिया है, और ये वाला भी वॉश कर लिया, ये मेरा फाउंटेन था इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। और ये छोटे छोटे टॉय हैं, ये मेरी चाय पत्ती सूख गई है, इसको भी अभी डब्बे में भर के रखनी है। सारे काम धीरे धीरे एक साथ ही चलते रहते हैं, वो उन्हीं को करते रहते हैं। चलिए आगे का दिखाएंगे कि मैंने कैसे क्या किया है इनको।
काउंटर की मैंने नाप लेके इंची टेप से, और अब मैंने ये हमारे पास रखा है ब्लेड, ये टूट गया है आगे से, लेकिन फिर भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसी की सहायता से ये यहाँ पे ऐसे मैं कट मार रही हूँ। ये इसी से ही आसानी से कट पाएगा ऐसे ऐसे, तो इसी से मैं काट रही हूँ। और जितनी काउंटर की लेंथ है उतना और लंबाई चौड़ाई उतना काटूंगी, जो एक्स्ट्रा मेरा बच जाएगा वो मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी। और मैं कहाँ यूज़ करूँगी, कैसा लगेगा वो आपके साथ में शेयर करूँगी। इसका प्राइस भी आपके साथ में मैं शेयर कर देती हूँ। ये 55 रुपये मीटर वो स्क्वायर फुट वाली है ग्लास। 40 में भी थी, 45 में भी थी, पर उसकी थिकनेस इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये मैंने 55 वाली ली है। मैंने मोल भाव करके ली है ये फिर उसने मुझे 45 में दी है। तो ये इतना पीस मुझे 450 रुपये में मिला है। अब कितना क्या है ये तो मैं भूल गई। ये 5 फुट इसकी लंबाई है, इतना तो मुझे ध्यान है, और ये इतनी ही चौड़ाई की थी, तो ये मैंने ली है। तो बहुत टाइम पहले मैं लाई थी, इस वजह से अब ध्यान नहीं है ठीक से। जो ध्यान था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से सारा कुछ हटा लिया है, इस तरह से अभी रख दिया है। अब इसके ऊपर हम ये मैंने घास का टुकड़ा कट किया था इसी के साइज का, वो हम डाल रहे हैं इस तरह से। देखिए इसी इंची टेप से इसका नाप ले लिया था, और इंची टेप की हेल्प से इसको नाप लेके कट किया था। बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। अब इसके ऊपर जब आप पॉट, गमले या कुछ भी डेकोरेशन का सामान रखोगे तो अच्छा लगेगा। ये घास भी अच्छी है, क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इस वजह से ये कॉस्टली भी थी, और कम बार होगा वो सस्ती मिल जाएगी। 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है। चलिए अब मैं इस पर ये अपने प्लांट डेकोरेट करके फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ। इस साइड भी अभी डेकोरेशन करूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये इसे इस तरह से डेकोरेट किया है, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। अब एक एक चीज़ जब मैं रख रही थी तब मैं आपको अगर दिखाती तो बहुत टाइम लग जाता, इस वजह से मैंने करने के बाद आप लोगों के साथ में अब मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पीछे ये मैंने अपने दीदी के प्लांट रख दिए हैं, और एक ये प्लांट रख दिया सेंसवेरिया का, और ये एक ही प्लांट है, इसके लीव्स ही इतने बिग साइज के हैं। और आगे ये बुद्धा रखे हैं, ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया है अपने आप घर में डिब्बे पे। ये देखिए ये डिब्बे का ढक्कन है, इसी पे ये डिब्बा था च्यवनप्राश का गोल गोल वाला, तो उसी पे मैंने ये बुद्धा जी बनाए हैं। और मैंने बुद्धा जी के ही आसपास अपने सकुलेंट रखे हैं, पीछे ये टॉल वाले हैं इस तरह से, और फिर आगे ये फूल वाले रख दिए हैं, ये रख दिए, फिर इधर ये एक मतलब पैटर्न क्रिएट किया हुआ है कि ऐसे ऐसे, तो उस हिसाब से मैंने रखे हुए हैं। और आगे ये मैंने जो फैमिली बनाई थी क्यूट सी फैमिली, उसको भी मैंने रख दिया है। और ये टॉर्टाइज कछुए मैंने दिए से तैयार किए थे, बहुत साल हो गए तब से कि मैंने अंदर ही रख रखे थे, तो अब ये भी मैंने यहाँ घास पे रख दिए हैं। और ये देखिए, ये हमने जो दिए से तैयार किए थे ये डक टाइप की फ्लामिंगो बत्तख, ये देखिए इनको भी मैंने यहीं पे ही रख दिया है इस तरह से। देखिए ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। और ये एक पॉट मैंने तैयार किया था, ये भी डब्बे का है, च्यवनप्राश का डब्बा है, पतंजलि का है शायद, हाँ उसी से मैंने ये, उसी पे मैंने ये पेंट किया। और ये मैंने पुट्टी हो या क्ले हो जो भी हो आपके पास, ये मैंने डेकोरेशन के पीसेस लगा दिए इसके हेयर्स पे। और ये ग्लास में ये मैंने
सेंसेवेरिया लगा दिया, क्योंकि सेंसेवेरिया प्लांट को पानी कम चाहिए होता है और ये शेड में भी ईजी सर्वाइव करता है, चल जाता है इसलिए। और ये मैंने पॉट अपना इधर साइड में रख दिया है और उस साइड में मैंने ये जो पिता के छिलके चिपका के गिलास से मैंने तैयार किया था वेस्ट मटेरियल पे, ये वो है। मैं वेस्ट मटेरियल से भी कुछ ना कुछ जब टाइम मिलता है तो बना लेती हूँ, और शौक़ तो बहुत है, बस टाइम की कमी होती है, तो इस वजह से जब टाइम मिलता है तभी कर पाती हूँ। और ये मेरा एक सक्लेंट कॉर्नर तैयार हो गया है, जो क्योंकि अब इनको धूप नहीं चाहिए, इनको शेडी प्लेस चाहिए जहाँ पे ओपन एरिया भी हो और धूप भी ना आए, और इनको ठंडक चाहिए होती है बेसिकली, क्योंकि ये ठंड में ही होते हैं, तो जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है हिल स्टेशन पे ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये प्लांट वहीं के हैं, यहाँ इतनी गर्मी में चलने वाले नहीं हैं। और गर्मी में सर्वाइव हो भी जाते हैं तो बरसात में ये बेकार हो जाते हैं, क्योंकि इनको इतनी ह्यूमिडिटी मिलती है ना कि ये उसी में गल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो इनको बरसात में बचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब देखती हूँ बरसात में क्या करती हूँ। लेकिन एक टिप और है सकुलेंट को लेके, कि सकुलेंट को अपना स्पेस बार बार चेंज करना पसंद नहीं आता है। अगर हम उसको बार बार इधर से उधर उठा के रखते हैं तो भी ये डेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये पसंद नहीं आता है। और अब ये देखिए हमारी सकुलेंट की मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो अब आज हम इनमें वाटरिंग भी कर देंगे, क्योंकि 7-8 दिन हो चुके हैं और ये सिंडल में हमें वाटरिंग रोज़ ही करनी है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें रोज़ ही करनी है। और एक ये स्टैंड भी मैं तैयार कर रही हूँ। ये घास मैंने काटी थी मैट से, इसमें इतना टुकड़ा इस पे भी आ गया है, ये देखिए ये है हमारा, ये भी मैंने ही तैयार किया था, ये देखिए डिब्बे से ही तैयार किया है। ये मैंने बोतल जो है काट के और फिर मैंने फेस बनाया है, बोतल से ये तैयार किया हुआ है। देखिए ये बहुत खूबसूरत मुझे लगी थी जब मैंने तैयार की थी, आज ये मैंने बाहर रख दी है, क्योंकि बाहर धूल गर्द में बेकार हो जाते हैं, तो मैंने इसे अंदर ही रख रखा था। अभी मैं डेकोरेशन कर रही तो मैंने रख दिया है। और ये मैंने दिए से ही मिली बग बनाए थे, छोटे बड़े बड़े इस टाइप से, तो मैंने इसको कर दिया। अभी और भी सारा करना है, तो अभी करके फिर फुल व्यू आप लोगों को देते हैं कि कैसा लग रहा है। और मुझे ये घास और ले के आनी पड़ेगी, अब बस इतनी सी लंबी सी पट्टी बच गई है तो ये कहीं भी नहीं आ पा रही है। तो ये जैसे कोई छोटी सी चीज़ हो या जैसे ये है वॉल है, इसके ऊपर हम ये डाल सकते हैं, तो तब तक हम इसको यहीं पे ही डाल देंगे और लेके आएंगे तब फिर नीचे भी डाल देंगे। और हमारी जो ये वाली है एक अलमीरा, इस पे भी डाल देंगे तो थोड़ा सुंदर लगने लगेगा। अभी तो ये सारा सामान फैला ही हुआ है, इसको भी समेटना है और यहाँ पे हैंगिंग भी मुझे हैंग करने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मोर भी मैंने पुट्टी से तैयार किया था, और ये जो कि वेस्ट डिस्पोजल है, ये देखिए जो निकलता है कोई सामान के अंदर, ये वो है। और ये वो मेरे पॉट जो मैं तैयार किए थे, ये इस तरह से मैंने रख दिया है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।